बाबा जी के चैनल पर रोज की वीडियो सभी काल्पनिक है, कृपया बातों को दिल पे ना ले क्योंकि मैं आपका प्यार नहीं हूँ। चेक आउट माय स्वैग 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 मेरा खुद का, ना देसी ना विदेशी, बच के तू रहना क्योंकि हूँ मैं थोड़ा क्रेजी। बात मत काट मेरी बात जो अटक गई, बुद्धि से अटक गई, कर दूंगा सबकी मैं ऐसी की तैसी। इसका ये गाना सुनने के बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि तुम्हें सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है, तो सच बता रहा हूँ मैं इसके पास जाऊंगा और इसका हाथ पकड़ के बोलूंगा, गाता हुआ बंदर। और बकचोदी कैसी चल रही है? बकचोदी मुझे पता है यार तुम्हारी तो चल ही रही होगी, चलो थोड़ी बकचोदी मैं भी कर लेता हूँ। कल शाम की बात है यार, मैं कोचिंग से घर लौट रहा था। कोचिंग तो मैं जाता ही नहीं हूँ यार। अच्छा कोचिंग नहीं, सॉरी छोड़ो, मैं बस ऐसे शाम को घूम के घर लौट ही रहा था कि मैंने देखा सड़क पर 4-5 लौंडे हाथ हिला के स्पाइडरमैन की तरह बन के पता नहीं क्या नौटंकी कर रहे थे। मैं पास जाके उनसे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले अरे बकचोदी बाबा जी मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम लोग रैप कर रहे हैं, प्लीज हमारे गाने को प्रमोट कर देना। मैंने कहा ठीक है यार, अपने चैनल का नाम बता दो, घर जाके देखूंगा। और जब मैं घर जाके देखा तो सच कह रहा हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, इस गाने को प्रमोट नहीं रोस्ट किया जा सकता है। तो चलो यार इनके रैप वीडियो का तड़का लगा के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भाई चल स्वैग दिखाएं। दिखा दे भाई, तू भी अपना स्वैग दिखा दे। जब दिनचक पूजा ने अपने स्वैग से पूरी दुनिया की माँ बहन एक कर दी, तो भाई तेरा भी हक बनता कि हमारे कानों का बाप भाई एक तो कर ही सकता है। दिखा ओ बहनचो, क्या था ये, फिर से दिखा भाई, मैं देख नहीं पाया तेरा स्वैग, दिखा यार फिर से दिखा। गोली की आवाज, ये कैसा स्वैग था? सालो आर्मी की पैंट तो पहन ली, कभी आर्मी में चले मत जाना वरना आधी आर्मी तो तुम ही खत्म कर दोगे। और वो पीछे खड़ा मूंदते हुए लड़के को देखो, नहीं उसे एक बार देखो, उसने कौन सा मेकअप लगाया है जो साला अपना मुंह दिखाने से इतना डर रहा है। इस बंदे को देख के ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आ रही है, रोजेज आर लाल स्काईज आर नीला, योर ब्रेन इज लाइक खाली पतीला। बुरा मान लिया क्या भाई, तो चल इंग्लिश में सुन ले, रोजेज आर रेड स्काईज आर ब्लू, आई बॉर्न स्मार्ट, व्हाट द हेल हैपेंड टू यू। स्वैग मेरा खुद का, ना देसी ना विदेशी। हाँ बे, तेरी वीडियो क्वालिटी देख के पता चल रहा है कि तू विदेशी तो हो ही नहीं सकता, बट देसी हाँ बे गांडू, तेरी आवाज से तू देसी ही लग रहा है और तेरी वीडियो क्वालिटी से भी पता चल रहा है कि तू देसी है। और अब एक आवश्यक सूचना, हम आपको यहाँ बताएंगे कि कैसे बचा जाए इन दरिंदा लोगों से जो हमारे कानों का रेप कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ दो उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, एक सरिया गरम कीजिए और अपने कान को गांड समझ के उसमें सरिये को लंड की तरह अंदर बार अंदर बार अंदर बार करिए, जब तक कि वो सरिया आपके दूसरे कान से दूसरी तरफ पार ना निकल जाए। और दूसरा उपाय, या फिर वही सरिया आप इसके मुंह को गांड समझ के अपने लंड की तरह अंदर बार अंदर बार अंदर बार करिए, जब तक कि वो गूंगा ना हो जाए। बस यही दो उपाय हैं, या तो आप बहरे हो जाइए या फिर उसको गूंगा कर दीजिए, तभी आप इस कहर से बच पाएंगे। आज के शुभ समाचार यहीं खत्म होते हैं, धन्यवाद। ये क्या, स्विमिंग पूल नहीं मिला तो क्या नाले से काम चला लोगे, लड़की नहीं मिली तो क्या लड़के को नचवा लोगे। इस चपैये को देख के एक बात तो मैं कंफर्म होके कह सकता हूँ कि इसको जरूर साइकिल की दुकान से उठा के लाए हैं, क्योंकि ये टायर में हवा भरने वाले प्रोसेस को भूल ही नहीं पा रहा, बार बार हवा भर रहा, बार बार हवा भर रहा। और ये चपैया आज इतना खुश होगा ना और ये सोच रहा होगा, अरे आज तो मैं टीवी में आऊंगा, मेरी वीडियो बनेगी और मैं फेमस हो जाऊंगा। Check out, just check out my swag. Check out, just check out my swag. Check out my swag. Check out my swag. Check out my swag. Check out my swag, girl. अरे झोपड़ी वाले, तूने और दिमाग खराब किया हुआ है, तेरी गांड का ही कीड़ा सबसे पहले निकालता हूँ। साले 200 रुपए की शर्ट, 300 रुपए की जींस जनपद से ली हुई, 10 रुपए की बंदूक और 150 रुपए वाले जूते, साले 660 रुपए का तो पूरा आदमी नहीं है तू। और स्वैग दिखाने की बात कर रहा है, अब लड़कियाँ तुम लोग ही देख लो, तुमसे कह रहा है स्वैग दिखाने की। रेत जाता है किधर भाई, टट्टी करने जा रहा हूँ, जाने दे भाई, बहुत तेज आई है, जरा इधर तो आ। अबे तेरे पास क्यों आऊँ साले, तेरा मुंह है या फिर कमोट, लोग क्या कहेंगे। कोई क्या सोचता है मुझे नहीं परवाह, मैं रुकने ही बक बकता ही जाऊँगा। तुझे जो करना है कर साले, मुझे जाने दे वरना मैं यूं ही हग हगता ही जाऊँगा। 100 बार भी गिरूं क्यों ना उठ के दिखाऊंगा। हाँ साले तू गिरा हुआ जो है बार बार गिरता ही जाएगा ना, तू गिर, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। बच के तू रहना क्योंकि हूँ मैं थोड़ा क्रेजी, बात मत काट मेरी बात जो अटक गई, बुद्धि से अटक गई, कर दूंगा सभी की मैं ऐसी की तैसी। एक बार जरा बैकग्राउंड म्यूजिक हटा के देखते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है। साले इन्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि अपनी खोई हुई चवन्नी ढूंढ रहे हैं, या तो फिर खोया हुआ दिमाग। तू
तू मुझ जैसा कभी भी ना बन पाएगा। ना भाई ना, मुझे बनना ही नहीं है तेरे जैसा। क्यों? क्योंकि बहनचो तू वो बंदा है, तू वो कुत्ता है जो घर का है ना घाट का, और अगर तेरा बंटवारा किया जाए ना तो केआरके के बाद तू दूसरा इंसान होगा जिसे कोई भी नहीं लेना चाहेगा। ये बंदा इतना टैलेंटेड है कि अगर ये इंडियन आइडल में आ जाए तो विनर यही बनेगा। सोच में पड़ गए क्यों? अरे इसका रैप सुन के तो वैसे ही सब मर जाएंगे। ये मंगल मूर्ति, इन जैसे लोग और पैदा मत करना रे बाबा। अरे जैसे और पैदा होंगे यार, चलो इन जैसे लोगों को पैदा होने से तो हम रोक नहीं सकते। फिलहाल यही वीडियो को खत्म करते हैं। तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो। उम्मीद करता हूँ यार 5000 लाइक तो मिल ही जाएंगे। वीडियो को शेयर भी करो, और मेरी बकचोदी पहली बार सुन रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साइड में जो घंटा है ना यार, उसे भी बजा दो, बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा। और यार वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देना चाहते हो या मुझसे कुछ भी बात पूछना चाहते हो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलो फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। YouTube पे आए थे हम लेके अपनी दास्तां, शुरू में लगा था मुश्किल बड़ा ये रास्ता, फिर भी आसान लगा बच्चों टोली का साथ था, स्ट्राइक लगने पे भी तुम लोगों पे विश्वास था।